कृष्ण ये बताओ, हमने ऐसे कौन सा कर्म किया जो मेरे को 100 बच्चों का मृत्यु देखना पड़ा। कृष्ण उनका पूर्व जन्म की कथा सुना, बोले पूर्व जन्म में ये धृतराष्ट्र ये मृगया खेलने के लिए गया था, शिकार करने जंगल में गया। उसको बड़ी जोर से भूख लग रही थी, एक वृक्ष को नीचे वो बैठ गया और उसी वृक्ष को ऊपर में चिड़िया को घोसला थी, वो चे कर रहे थे। वो समझ गया ये पेड़ के ऊपर में कोई चिड़िया घोसला है, पेड़ के ऊपर चढ़ करके गया, देखा सचमुच से वो सबके सब चिड़िया की घोसला है और उसमें एक एक अंडा था, इसमें 2-3 ऐसे ऐसे अंडा था। उसने ये अंडा को उसने खाया और एक अंडा में एक प्राणी होता है, एक जीव होता है, इसलिए भगवान ने कहा इसलिए तेरे को 100 बच्चे मृत्यु तुमको देखना पड़ा, इसलिए ये अंडा फंडा हमें नहीं खानी चाहिए है। अभी जब उन्होंने 4 जगह पर स्थान दे दिया, ये कली तभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ कहाँ घूमते फिरूं, कौन जुआ खेलता है, कौन मांस खा रही, कौन है, कौन वैश्या घर में जा रहा है, अभी मैं ढूंढू कहाँ, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो जहाँ पर मेरे को सारे जगह सारे चीज मिल जाए। तो उन्होंने पैसा में स्थान दे दिया, बोले सुवर्ण में तुम्हारी स्थान। बोले मतलब क्या है, आप देखना ये जो 4 अधर्म पाप बताया वो अक्सर करके जहाँ ज्यादा पैसा पूरी करो। बताओ जुआ कौन खेलेगा, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं होगी जुआ खेलेगा। अभी मांस 5-5 रुपया, 6-1 रुपया, अब देख रही कौन मांस खाएगा जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा। अभी अवैध रूप में वैश्या घर में कौन जाएगा जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा, इसलिए जहाँ ज्यादा पैसा वहीं पर उन्होंने ये कली को स्नान किया। इसका मतलब नहीं ये पैसा में कली है, देखो हम लोग को बताओ पैसा का एक नाम लक्ष्मी है, क्या नाम है आप बताओ, लक्ष्मी का वाहन कौन है, बताओ लक्ष्मी का वाहन कौन है, उल्लू है। मतलब जब लक्ष्मी घर में आती है ना वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और हमें ये उल्लू बता दे, और उल्लू किसी को घर के ऊपर बैठ जाए ना उसकी घर का सत्यानाश हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी की और एक वाहन है, जानते हो कौन वाहन है, एक तो उल्लू है और एक कौन है, गरुड़ जी। लेकिन आप देखना कभी भी गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी को अकेली बैठते हुए नहीं देखोगे, वो नारायण को साथ में बैठती है। बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य यह है जब हम घर में माँ लक्ष्मी को बुलाए, बोले क्यों बुलाए, बोले हम खाएंगे लक्ष्मी को, भोग करेंगे, हम पैसा से खरीदी करके खाएंगे पिएंगे मस्ती रहेंगे, फिर लक्ष्मी वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है, बोले तेरे तुम मेरे को भोग करोगे, मैं नारायण क्यों, मैं तेरी नहीं हूँ, मैं नारायण की, मेरे को भोग करोगे। तब वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आए और जितने सारे अपगों जितने लड़ाई झगड़ा अशांति को घर में लेकर आए उल्लू को पड़े। लेकिन जब लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है, अब मूल लक्ष्मी पे सिर आधारण खूब लक्ष्मी को बुलाओ, बोले लक्ष्मी को क्यों बुलाओ, बोले ठाकुर को सेवा देंगे, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का हम सेवा कैसे करेंगे, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे, ठाकुर जी को सेवा कैसे करेंगे, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होगा नहीं, इसलिए माँ लक्ष्मी आओ। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए। खैर तो वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। और गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले वैकुंठ में, फिर वो हमारा घर को वैकुंठ बना देती है। इसलिए जिस घर में हरी कीर्तन हरी कथा हरी चर्चा ठाकुर को सेवा पूजा हो ना, फिर तो घर घर नहीं, वो तो भगवान की धाम है, वो घर नहीं। इसलिए हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जय दीन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाया। मतलब है जिस दिन घर में हरि कीर्तन भजन पूजा पाठ हो, बोले वो घर नहीं, वो गृह ते गोलक भाया, वो गृह गोलक वृंदावन लग जाता है, हैं। इसलिए उन्होंने कली को उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने गए, आज इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी,
तभी जिंदगी में लगी नहीं। भ्रमण करते करते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि सचमुच से प्रभु का भजन कर रहे थे। बोले उनको पानी मांगे, लेकिन तो भजन में बैठे हुए थे। बोले एक राजा तुम्हारे दरबार में आया और प्यास आ होकर के, और मेरी कृपा से तुम लोग यहाँ बैठ करके भजन कर रहे हो, थोड़ी पानी भी तुमने नहीं पिला सकते। पास में एक मरा हुआ सर्प भरा हुआ था, उनको उनको गले में उन्होंने डाल दिया। अभी उनको बच्चे को जो पता चला मेरे पिताजी के गले में ये परीक्षित महाराज ये मृत सर्प को डाले, फिर उन्होंने अभिशाप दिए। बोले मैं अभिशाप देता हूँ, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, सप्तम दिवस में तक्षक उसको दर्शन करेगा। जब उन्होंने अभिशाप दी, इतने में ऋषि की आँख खुल गई। बोले बेटा क्या बात, बोले ऐसे ऐसे है। बोले परीक्षित महाराज आए तो बोले सम्मान नहीं किया, बोले आपको पानी मांगा अपने पानी नहीं दिया। बोले फिर बोले आपके गला में मरा हुआ सर्प डाला तो मैंने उनको अभिशाप दे दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है ये महाराज कौन है? वो कृष्ण का परम भक्त है। हमारा तो अहो भाग्य, हमारी आश्रम में परीक्षित महाराज आए, उनको पानी तो दिया ही नहीं और उनको अभिशाप दे दिया। मैं भी सारे ऋषि समाज को अभिशाप देता हूँ, आज से उनकी जो बात शक्ति ये सारे खत्म हो जाएगी। तब से ब्राह्मण का जो वाणी में शक्ति थी ना, वो सारे शक्ति तभी से ही समाप्त तो हो गई। बोले भैया कम से कम परीक्षित महाराज को ये बात सूचित कर दो, अगर आपको कोई याद करके बोले आपको 7 दिन में हम मरने वाले हैं, बताओ क्या होगा? सुनते ही तो आधा ही बढ़ जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए। बोले क्यों? बोले मरने से 1 मिनट पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो ठाकुर जी की कितने दया है, 7 दिन पहले मेरे को पता चला मैं मरने वाला हूँ। अपना समय को मैं भगवान की भजन में लगा, ठाकुर जी की भक्ति में लगा दूँ। साधारण व्यक्ति होगा ना, अगर पता चलेगा 7 दिन में मरने वाला, वो क्या करेगा बताओ? बोले जितने खा पी करके ऐसे करके अपना जीवन को। मैंने वो उसका नाम पूछा, नाम से मेरे को पता चला कि बस होगा। मैंने कहा तेरे को कुरान आता है? बोले हाँ। वो छाते बुला कर देना, हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा भैया सुना दो कुरान। मतलब उसने छठा छठ कुरान सुनाना शुरू कर दिया, एकदम छठा छठ कुरान सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितनी उम्र से तुमको कुरान पढ़ाई जाती है? कहते हमारे धर्म में कंपलसरी, जब 2 साल बच्चा का हो जाए कंपलसरी उसको कुरान सीखना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे शुक्रवार का दिन ये मुसलमान बच्चों को मुसलमान टोपी पहना करके छोटे छोटे 5 साल 10 साल 11 साल सब बच्चों को लेकर को जाते हैं। अगर कहीं मंदिर हो तो ठीक है, अगर नहीं होना वो मेन रोड में बैठ करके क्या करते हैं कुरान को, मेन रोड में बैठ करके कुरान पढ़ते हैं, मेन रोड में बैठ करके। क्या हम कभी अपना बच्चों को बोलते हो उसको का स्मार्टफोन पकड़ा देके 20,000 रुपया है? बोले स्मार्ट जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए उसको तो पकड़वा देंगे। क्या कभी हम बोलते हैं बच्चों को बेटा एक माला तो जप कर, एक माला तो जप कर? कभी बोलते हो कभी? थोड़ी सी गीता पर, थोड़ी सी रामायण पर कहीं बोलते हो? कौन बोलता है अपना बच्चों को जो बेटा एक गीता पर रामायण पर एक माला जप कर, बोलते हो बच्चों को? लेकिन स्मार्ट बहुत बोला देते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, जितने सब बैठे हो ध्यान देकर सुनो। एक समय को एक व्यक्ति हमारे गुरु जी के पास में आए। गुरु जी के पास में आकर के बोले गुरु जी मेरे बेटा हमारा बात नहीं सुनता है। बोले मेरे बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। देखो हमारे गुरुदेव ने क्या, हम जो पीछे बैठे ना बच्चे ध्यान देकर सुनो, बस क्या स्मार्टफोन आप लोग व्यवहार कर रहे हो ना, कथा में कथा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लीजिए। तब गुरु जी को बोले ये चीज को शिक्षा लेकर दे जाओ। बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है, पहले तो थोड़ी अगर कभी सुन लेता है तो कभी कभी, लेकिन पता नहीं जब से शादी हुई तो बात सुनना ही छोड़ दिया।
देखो हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, बोले बेटा तुम कभी रामायण पढ़े हो, रामायण पढ़ते हो और बच्चों को भी रामायण कभी बोलते हो, बच्चे तुम भी रामायण पढ़, बोले नहीं। बोले अगर स्वयं तुम रामायण नहीं पढ़ोगे, अगर बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, तेरे बेटा कहाँ तुम्हारी चरण छुएगा, बोला कहाँ तुम्हारी बात मानेगा। अगर तू रामायण स्वयं पढ़ते, बच्चे को रामायण पढ़ने के लिए बोलते, वो रामायण में लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा हर मात पीत गुरु न मैं माता। भगवान स्वयं सवेरे उठ करके क्या करते हैं, सबसे पहले पिताजी के चरण छूते हैं, मैया की चरण छूते हैं, गुरु जी की चरण छूते हैं। रामायण आप लोग ने देखे हो टीवी में, कौन कौन रामायण टीवी में देखे हो, कहीं सब ने देखे। देखना जब श्री दशरथ महाराज विश्राम करते हैं, स्वयं भगवान जा करके श्री दशरथ महाराज की चरण दबाते, अपना पिताजी की चरण को दबाते। अगर कोई रामायण देखेगा ना, पढ़ेगा ना, उसको अंदर में भी ये संस्कार आएगी, पहले पिता माता को चरण छुओ, पिता माता की चरण छुओ, पहले गुरुजन की चरण छुओ, पिता माता की सेवा करो, पिता माता की आदेश पालन करो। किसी का कहाँ से मिलेगी बताओ, रामायण से, रामायण तक मिलेगी, लेकिन गुरुदेव बोले खुद तो रामायण पढ़ता नहीं, दिन भर टीवी खोल कर बैठ कर देखते हो, उल्टा पुल्टा फिल्म गंदी गंदी फिल्म देखते हो। अब बचाओ तुम्हारा बच्चा तुमसे क्या सीखेगा, पहले गुरु तो पिता माता ही ना, पहले गुरु तो पिता माता, पिता माता से ही बच्चों को संस्कार बनती है, पर उसको संस्कार कहाँ मिलेगी, बन ही नहीं सकती संस्कार। इसलिए पहला गुरु पिता माता है, इसलिए सबसे पहले क्या करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। आप लोगों ने इंडोनेशिया के नाम सुने होंगे, एक मुसलमान व्यक्ति है, हमारे भारत से संतों को बुला करके लेते हैं, एक मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, बल्कि इनको वो लोग बुला करके ले जाते हैं मुसलमान देश में, बोले क्यों, बोले हमें ये रामायण सुना, बोले भैया ये मुसलमान होकर के यदि ये मुसलमान लोग ये रामायण क्यों सुनते हैं, ये तो हमारे हिंदू ग्रंथ है, कहते रामायण में बड़ी शिक्षा है, बड़ी शिक्षा रामायण में, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए। देखो भगवान और बेटा पिता को कितने सम्मान देनी चाहिए, केवल दशरथ की वाक्यों को रक्षा करने के लिए भगवान ने 14 साल तक उन्होंने वनवास किया। किसकी बात रक्षा करने के लिए, एक तो पिता और एक सौतली माँ, अपना मैया ने सौतली माँ की बात को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी 14 साल, अपना बेटे को बोलो तो 14 दिन के लिए जाए, अपना मर्जी से तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है, अपना मन मर्जी से 14 दिन घूमने जा सकता है, लेकिन तुम्हारी एक बात नहीं सुन सकता है। बोले कारण किया, हमारे गुरु जी कहते थे तुम रामायण नहीं पढ़ते, इसलिए मुसलमान हो करके वो लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ने पर हमारे जो घर की बहू और बेटी वो सती बन गई। बोले क्यों, बोले वो धोबिनी थी ना, वो आती समय एक रात कहीं रुक गई, जब दूसरे दिन वो धोबिनी आई, पति ने पूछा पिछली रात तो कहाँ थी, बोले मैं आ रही थी, बारिश ही हो रही थी, केवट ने पार करने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी से मेरे को एक रात कहीं केवट को घर में रुकना पड़ा। बोले वही बात मैं रात में ग्रहण, मतलब इसको तो मुसलमान लोग कह रहे हैं, कहते हमारी बेटी और जो बहू है ना, इसको अगर सुनेगी घर में सती बन करके रहेगी। इसलिए हमारे रसिया में, वहाँ के रसिया की लड़कियाँ वो सरकार से लड़ रही हैं, जानते क्यों लड़ रहे हैं, बोले हम साड़ी पहन करके क्यों कलेज नहीं जाए, वो लड़ रहे हैं वहाँ पर लड़कियाँ, हम साड़ी पहन करके कलेज जाए, लेकिन हमारे देश में कहते जीन्स पहन करके हम क्यों कलेज जाए। मतलब जो पश्चिम का जो शिक्षा है ना, वृंदावन गए हो, कौन वृंदावन गए हो, हाँ बताओ, वहाँ पर एक अंग्रेज मंदिर में जाना, वहाँ की लड़कियों को देखना, वहाँ की स्त्रियों को देखना कैसे साड़ी पहनी, कैसे तिलक लगाए, गले में कैसे तुलस की कट्टी, हाथ में कैसे जप माला, किसी की सर के ऊपर में खाली नहीं देखोगे, अंग्रेजी में देखोगे सबके सर के ऊपर में वो कपड़ा ढकते हुए, सबके सब कपड़े। अब कभी जाना तो वृंदावन में, कोई सुवर्ण मंदिर में जाना, देख देख के आना,
वो कहाँ लटकर फ्रांस जर्मनी अमेरिका से होकर के वो कैसे हमारी भारतीय संस्कृति को कैसे अपना रहे हैं। इसलिए हमें भी अपना संस्कृति को हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। अपना संस्कृति की रक्षा करो और भगवान की भजन करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं अब पता है, शायद लिखा पढ़ा सीख करके शायद अमेरिका चली जाएगी ना, ज़्यादा पैसा कमा करके शायद सुखी हो जाएगी। आप स्वयं जाना इस अंग्रेजी मंदिर में देखना, जो अमेरिका में जो लड़का लड़कियां हैं देखो कम उम्र में कंठी गला तिलक माला धारण करके तुम भजन कर रहे हैं। और जब भारत से जाते हैं ना अमेरिका इतने रो रो कर जाते हैं, क्या भगवान हमें क्यों अमेरिका में जन्म लिया, भारत में क्यों हमें जन्म नहीं दिया, ये ब्लेचर कंट्री ने क्यों हमें दे दिया। वो रो रो कर भी जाते हैं और कैसे वीजा बन जाए किसी तरह से नेपाल जा करके कोशिश करते और कुछ भी जैसे हम वृंदावन में रह जाते। मतलब हमारे धाम की इतने महिमा वृंदावन धाम की और हमारे धर्म की इतने गौरव है। इसलिए शांति सुख तभी मिलेगा, पैसा से नहीं मिलेगा। लेकिन रावण को सबसे ज़्यादा शांति वो रावण को मिल जाती है, वो विजय से रहता था, सोने की लंका को अंदर पर उसको नींद नहीं आती। लेकिन केवल वहाँ पर विभीषण चैन से जी रहा था, बोले क्यों, बोले चूंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। इसलिए हमारे जो संस्कृति है ना, अपना संस्कृति हमें अपनानी चाहिए और गीता रामायण भागवत में बैठनी चाहिए, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 चरणों को आश्रय लिया। पहले टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषियों को पास ज्ञान हुआ करती थी। वहां पर 28,000 ऋषि लोग आए। परिपित महाराज बोले ये अभिशाप नहीं, ये मेरे लिए तो वरदान है। देखो कितने साधु यहाँ पर, एक साधु का दर्शन करना कितना कठिन, और यहाँ पर इतने संतों का दर्शन है, मेरे जीवन का धन्य हो गया। तब उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रश्न करते हैं, बोले अद्य बा अब तो सत्ता तेवा प्राणी वही मृत्यु ना, मतलब आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सब तो मरना, कोई नहीं बोल सकते हम मरेंगे नहीं, आज कल परसों बरसों मरेंगे, इनका क्या कर्तव्य है। लेकिन वहाँ पर जितने ऋषि मुनि थे कहते नासो मुनि जैसे बदम न, सब ऋषि का अलग 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 बात था। किसने कहा भैया गणेश तो विघ्न बिना सके उनको पूजा करो विघ्न टल जाएगी, किसने कहा उसकी मैया क्या नहीं चली गई उसको मैया को भजन करना, किसने कहा उसको पिता क्या कहीं चली गई शंकर जी को उपासना करो, किसने कहा मृत्युंजय की पाठ करो, बोलो वो तो 50 दिन है। अब इस आपस में ये ऋषि मुनि लोग तो चर्चा में लगने लग गए। परिपित महाराज को पता था ये सबके सब एक ही मीमांसा पर पहुँचेंगे, जीव को अगर परम शांति परम सुख चाहिए भगवान की भक्ति भगवान की भजन में ही जीव को परम शांति मिलेगा। लेकिन कहा बरसात जब कृषि सुखाए मेरे पास है केवल ही 7 दिन, अगर ये तर्क वितर्क करते करते अगर समय चला गया फिर मेरे समय तो धीरे 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 खत्म होते जा रही है। तब उन्होंने श्री ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गई, बोले ठाकुर जी आप ही मेरे को मातृ गर्भ में दर्शन दिया था, मेरी केवल एक ही इच्छा है प्रभु की कथा सुनते सुनते मेरे जीवन जीत जाए। जब प्रार्थना की मेरे भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज की।
जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए उन्होंने वहां पर उनकी पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे सबको उन्होंने प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते हुए प्यास गति पर उन्होंने बैठ गए। फिर श्री परीक्षित महाराज समझ गए यही ये प्रश्न का उत्तर यही बालक देगा। लड़कियों वहां पर तो उसको पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे लेकिन ये सबसे छोटा बच्चा ये सबसे छोटा बच्चा ही उत्तर कैसे देगा। बोले ये छोटा बच्चा नहीं बोले ये कौन है बोले प्रिय सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। बोले ये तोता कोई साधारण तोता नहीं जिसको राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके अनाज दाना खिलाया करती थी और उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। कभी कभी राधा रानी उसको कृष्ण रूप मान करके उनको चुंबन करती थी। जब राधा रानी चुंबन करती थी राधा जी के अधरा भर तो वो तोता भी मुंह में लगेंगी और निकुंज प्रसाद में ये निवास करने वाले इसलिए ये साधारण तोता नहीं पर राधा जी की ये प्रिय तोता श्री ये तोता है। इसलिए उन्होंने तब परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी भले आप कृपा करके ये बताइए भले अतः पृच्छा में सब सिद्धि जो नाम परम गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। भले हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप ये बताओ ये जगत में आप किसी को भी देखो ना कोई तृप्त नहीं अगर कोई टाटा लग जाए तभी वो तृप्त नहीं सोचता है और ज्यादा पैसा वाला लग जाए। अंबानी कोई बन जाए ना सोचता है पृथ्वी का सबसे ज्यादा पैसा वाला कैसे बन जाए। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख विहारी प्रभु के भजन के बगैर किसको शांति नहीं है। इसलिए यहाँ प्रश्न है जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जी का मन तृप्त हो जाए भले हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं हम तो पूरा शांति है सुख है हम तृप्त हो गया भले जगत में इसे कौन इसलिए हम कहते ना कमाई कमाई मतलब क्या है कम आई और ज्यादा अनी चाहिए ना कमाई करो कमाई करो कम आई और ज्यादा अनी चाहिए। इसलिए बताओ जगत में क्या वस्तु जिसको पाने के बाद जीव तृप्त हो जाए उनको परम शांति और सुख मिले और प्रिय मानस सर्वथा एक दिन सब तो मरने वाले पता नहीं कब मृत्यु नहीं आ जाए इसको पास में कोई गारंटी कार है नहीं हम इतने साल तक हम जिंदा रहने वाले हैं है? इसलिए आप किसको बोलो प्रभु का भजन करें फिर समय क्या चला गया कर लेंगे अभी क्या अभी भजन करने का क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज कहते बच्चों कौमार आचार्य प्राज्ञम जो बुद्धिमान है उनको 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति कर देना चाहिए। कितना साल से भजन करनी चाहिए बोले 5 साल उम्र से। फिर बच्चों ने प्रश्न की बोले 5 साल से क्यों करेंगे जब बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है अगर बड़े होने से पहले अगर हमारी राम राम सत्य हो गया तो बोले फिर अगले जीवन में कर लेना। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म ये जन्म ठाकुर जी बारम्बार नहीं देते हैं ये तो 84 लाख जन्म के बाद एक बार ठाकुर जी ये मानव शरीर दिया। इसलिए बच्चों जितने जल्दी हो क्या करो भगवान की भजन में लग जाओ जितने जल्दी से जल्दी हो भक्त। इसलिए कितना कल कर सो आज कर सो अभी। लेकिन हमने क्या कर लिया जानते हो आज कर सो कल करो और कल कर सो परसों जल्दी जल्दी क्या करते हो पढ़ा रहा है कर सो लेकिन हम उसको उल्टा कर दिया। देखो इधर ध्यान देकर सुनो बोले जिस समय भगवान राम ने उन्होंने रावण को मारे अभी रावण गिरा हुआ है अभी वो प्राण छोड़ने वाले। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था
राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण जी ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उसको पास से कुछ अंतिम उपदेश को लेकर के आओ। लक्ष्मण गए, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया ने भेजा आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए। देखो रावण क्या बोल करके जाता है, बोले लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई, लेकिन तेरे जीवन में दो गलती नहीं होनी चाहिए। बोले दो गलती क्या हो गई? बोले मैं ये सोच रहा था कि जो समुद्र का जो पानी है, कभी पृथ्वी में तीन भाग समुद्र है और एक भाग स्थल है, लेकिन तीन भाग का पानी है लेकिन पूरा का पूरा समुद्र का पानी, आप लोगों ने देखा है समुद्र, तुम लोग समुद्र देखे हो, बताओ सर समुद्र का पानी कैसे मीठा ना नमकीन है, खाली है, लेकिन वो किसकी प्यास नहीं बुझा सकती है। रावण सोच रहा था संपूर्ण समुद्र पानी को मैं मीठा बना दूं, कहते मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं कि मैं बना सकता था, लेकिन सोचा बना ही दूंगा, समय थोड़ी जा रहा है। और दूसरी इच्छा थी, सारा दुनिया चाहते हैं मैं जाऊं स्वर्ग, है मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूं, मेरे लिए बड़ी भारी बात नहीं, मैं सीढ़ी बना सकता था, सोचा बना ही दूंगा, चिंता क्या बात है। लेकिन ये दो चीज मैंने नहीं कर पाया, अगर ये दो चीज कर लेता है ना मैं तो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता, क्योंकि जो व्यक्ति पानी पीते समुद्र का वो क्या बोलते हैं, ये पानी किसने किसने मीठा बनाया, रावण ने। दुनिया स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर सीढ़ी बना देता तो स्वर्ग पहुंच जाते, बोलते भैया सीढ़ी बनाया किसने, किसने बनाया, रावण ने, मैं तो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता। लेकिन ये दो काम मेरे से गलती हो गई। कहते लक्ष्मण आप लोग भी ध्यान देकर सुना, ये रावण का अंतिम उपदेश है। बोले रावण लक्ष्मण कभी तुम जिंदगी में गलती नहीं करना। बोले क्या गलती है, क्या गलती? बोले अच्छा कोई काम होना उसके लिए देर नहीं करना, उसके लिए देर नहीं करना, अगर कोई गंदा काम होना उसको टालते रहना, हो सकता है वो टल जाएगी, लेकिन जो अच्छी काम है कभी उसको देर नहीं करना, जितने जल्दी से जल्दी करना। बोले जगत में सबसे बढ़िया काम किया तो भगवान की भजन, भगवान की भक्ति, ये और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती है, केवल इसी मानव शरीर से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए बोले ये मानव शरीर नहीं, बोले ये क्या है, बोले साधन था मोक्ष काहे द्वारा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
स्वामी कहते कि जो मानव शरीर है ये क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे परम। कहते केवल इसी मानव शरीर से ही भगवान की भक्ति हो सकती और कुछ जीवन में नहीं, इसलिए ये मानव शरीर नहीं किया है बल्कि ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए। लेकिन पाई न जई परलोक सवारा, लेकिन ठाकुर जिसको मानव शरीर दे दिया लेकिन इसको पा करके जो प्रभु की भजन नहीं किया। और दूसरी लाइन में कहते हैं स्व आत्मा हन गति जारी, वो एक आत्महत्या। कभी ये मानव शरीर नहीं, कभी ये चंदन की एक बाग है। क्या है ये चंदन की बाग? तो उसके उदाहरण दिए, बोले एक समय कोई एक राजा जा रहा था, देखा एक लकड़हार, वो चंदन का लकड़ी को काट करके ला करके उसको जलाता है और उसको कोयला बना करके मार्केट में किसी तरह से 50-100 रुपया कमा करके अपना जीविका निर्वाह करता है। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले यही कर रहा हूँ। राजा ने कहा देखो आज इसे तेरे सारे दुख खत्म हो जाए, लो ये जो चंदन का बगीचा है ना, ये चंदन की बात तू ले लो, बस तेरे सारे दुख खत्म हो जाए। राजा एक साल के बाद में फिर उधर से जा रहा था, फिर देखा वो व्यक्ति वही काम कर रहा है, पहले जो काम करता था लकड़ी काट करके लाओ जलाओ और कोयला बन कर बेचो। बोले तू अभी भी वही कर रहे हो क्या? क्या बात है? बोले तुम्हें बोले वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। बोले पागल, पता है तेरे को मैंने क्या दिया? ये चंदन की बाग दे दी और 1 किलो जो चंदन लकड़ी है ना, आपको पता है कितना रुपया? 40,000 रुपया देने पर भी आपको प्योर चंदन की एक लकड़ी नहीं मिलेगी। 1 किलो चंदन लकड़ी की कितने कीमत है आप बताओ? 1 पेड़ में कितना किलो होगा बताओ? बोले 1 पेड़ नहीं, तुमको करोड़ रुपया मैंने दिया था, लेकिन तुमने क्या कि सारे चंदन की बाग को तुमने जला करके तुमने राख बना दी और कोयला दाम पे तुमने बेच दिया। देखो इसका मतलब क्या है, ये चीज पर ध्यान देकर सुना। कहते इसका मतलब है ये मानव शरीर से हम भगवान की भक्ति कर सकते थे, भक्ति करके ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त हो सकते थे, लेकिन हमने क्या किया पता है? इसको पूरा काट करके जला करके कोयला दाम में बेच दिया। बोले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहते जानवर जो काम करते हैं ना, हम वही काम करके जीवन को गंवा दिए। बोले हम सारा दिन में कितना काम करते हैं? बोले दिन में 2 काम करते हैं और रात का 2 काम करते हैं। बोले दिन में 2 काम क्या है? बोले पैसा कमाओ और ये पैसा से अपना परिवार को मेंटेनेंस करो, दिन में ये 2। रात को क्या करते हैं? बोले सोते हैं और विषय भोग पर बच्चों को जन्म देना। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये बताओ ये काम को कौन नहीं करता? ये जानवर जीवन में भी तो हम यही यही करते करते आ रहे। तब एक उदाहरण देकर समझाए, बल एक समय कोई एक जज जा रहा था, देखा एक सुअर लेटा हुआ, उसने बूट पहना था, सुअर को बड़े जोर से मारा। सुअर ने कहा भैया मेरे को क्यों मार रहे हो? बोले तो सुअर है। बोले तुम कौन हो? बोले दिख नहीं रहा है तो जज हूँ। देखो सुअर क्या प्रश्न करना है? बोले ये बताओ आप मेरे से कौन सी चीज में बड़े हैं? बोले बताओ हम कौन सी चीज में बड़े नहीं बताओ। सुअर ने पहला प्रश्न की, बोले तेरे कितने बीवी है? बोले एक। बोले जितने के बाद एक बीवी को साथ में रहा? बोले और क्या? बोले देखो यहाँ पर देखो 15-20 सुअर है ना, ये सब के साथ में घूमता फिरता रहता, ये मेरे 15-20 सब पत्नियां हैं। बोले ये बताओ जिंदगी में कितने बच्चों को तुमने जन्म दिया? बोले 2, 4, 8, 10, इससे तो ज्यादा नहीं। बोले सारा जीवन में? बोले हाँ। बोले 6 महीना में एक बार मैं बच्चा जन्म देता हूँ, 1 दर्जन से कम नहीं, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है। बोले इसमें भी तो फेल हो। उसके तीसरा प्रश्न है, बोले ये बताओ तुमने बच्चों को लालन पालन करने के लिए कितने दिन में बच्चों को होनहार बनाया? अब देखना 20-25 साल लगता है जब तक एक बच्चे बेटे बच्चे को एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना देते हैं और उसको नौकरी नहीं लग जा देते हैं, जब तक उसको शादी नहीं करवा देते हैं ना, देखना कितना वाला भी चेंज नहीं, कहते हमारा भी कर्तव्य पूरी नहीं हुई। और जो बेटा निकम्मा बन गया, देखना जिंदगी भर के लिए निकम्मा का ही बोझ बन जाता है।
मरने का पहला तक भी वो बोझ नहीं उतरती, वो दुखी दुखी रहता है। बोले जानते हो ये 15-15, 20-20 बच्चों को मैं कितने दिन में होदार बनाता हूँ? कुल 1 महीना की। फिर छोड़ देता हूँ, जाओ तो अपना घर गृहस्थी करो। वो अपना घर गृहस्थी कर लेते। उसने पूछा, ये बताओ तुमने बच्चों को पालना करने के लिए जिंदगी में क्या किया है? बोले पहले तो प्राइमरी स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में गया, फिर यूनिवर्सिटी में गया, फिर एक डिग्री किया। बोले उसके बाद में बड़े बड़े रिश्वत दे करके नौकरी किया। बोले फिर बोले 10-10 घंटा काम करता हूँ, फिर जा कर के पैसा कमाता हूँ, फिर बच्चों को पालता हूँ। बोले भैया मैंने बच्चों को पालना करने के लिए कोई माइनर स्कूल नहीं किया, कोई हाई स्कूल नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं किया, तो नौकरी भी नहीं करता हूँ। मैं आसान से घूमता हूँ, खाना पीना मिल जाता है और बच्चों को पालना करके मैं छोड़ देता हूँ। उसने पूछा, तेरे को रात में नींद आती है? बोले तेरे को जैसे जिसका ज़्यादा बेटी बेटा हो, शादीशुदा, नौकरी नहीं, देखना तुमको एयर कंडीशन रूम में तुमको टैबलेट खाने गोली खाने पर भी तेरे को नींद नहीं आती होगी, डर लग गति को घर में, लेकिन मैं कीचड़ में आराम से सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। आप कभी कभी भी आप कभी नहीं सुने होंगे कोई जानवर ने कभी सुइसाइड किया, आपने सुना है? लेकिन इंसान को वो सुइसाइड कर रहा है। देखो ये सुखदेव गोस्वामी ये जिनको समझो वो समझा रहे हैं पहले तुम्हारा, इसका मतलब है हम जीवन में जो काम करके बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर दिया, एक नौकरी कर लिया, शादी कर दिया, 2-4 बच्चे जन्म दे दिया, बड़ा करके छोड़ दिया, यही कर दिया ना, और कुछ ज़्यादा बताओ, इससे ज़्यादा कुछ दिया है? भाई सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब जानवर मुझसे बहुत एडवांस है, अगर यही तुम्हारे जिंदगी में किए तो। फिर प्रश्न है, फिर ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताए? हर जगह में देखो भगवान कहते बड़ा भाव मानव सतम पाव, कृष्ण उद्धव जी को कहते उद्धव जी लब्धवा सुदुर्लभ विदुर्लभ नहीं, ये सुदुर्लभ ये मानव शरीर। बोले क्यों, कारण क्या? बोले एक ही कारण है, इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करके हम ठाकुर जी के पास में जा सकते और इसी जीवन में प्रभु के पास में नहीं जा सकते। एक ही जीवा दिया 84 लाख के जीवन में जिसमें हम कृष्ण कृष्ण बोल सकते, राम राम बोल सकते, और कोई बोल सकता है? और कोई नहीं बोल सकता, केवल एक इंसान ही बोल सकता है। इसलिए भागवत ने बताया जिनको मानव शरीर मिला लेकिन ये जीवा से प्रभु का कीर्तन नहीं किया, कहते जीवा नहीं वो बड़े का जीवा है। अब देखना बरसात में बड़े टट्टी करता है, ये सांप उसका काल है, वो सांप देखता है मेरे को अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, आहार तो मेरे को ही बुला रहा है। वो धीरे 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 जो सर्प उसके आवाज़ को सुन पड़ाता है, वो झट पकड़ लेता है और उसको निगल लेता है। मतलब जो व्यक्ति इसी जीवा में प्रभु का नाम नहीं जप करके दुनिया की बात को लपर लपर टटर टटर करते हैं, बल्कि ये बगल का जीवा है, काल एक दिन ग्रहण कर लेगा। बल्कि जिनको ठाकुर ने 2 कान दिए लेकिन इनकी कानों में प्रभु की कथा नहीं सुनते हैं, सारा दुनिया की बात को सुनते रहते हैं, बल्कि ये कान नहीं 2 केवल ये 2 बीज है जिसमें काल रूपी सर्प निवास करता है। ठाकुर जी ने तो आँख दिए जो प्रभु जी की रूप का दर्शन नहीं करते, बल्कि मोर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आग है। ठाकुर जी को ये 2 हाथ दिए लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तक सोने की कंगड़ पहन करके रखे, कहते वो हाथ नहीं बल सबो करो, वो 2 हाथ मरा हुआ हाथ है, उन्हीं हाथों से पूर्वज लोग तुम्हारे पिंड ग्रहण नहीं करेंगे। ठाकुर जी जिनको 2 चरण दिए लेकिन ये चरण से तुलसी परिक्रमा नहीं करते हैं, ठाकुर जी की मंदिर परिक्रमा नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सत्संग में नहीं जाते हैं, बोले ध्रुव जन्म भाजो, जैसे वृक्ष जैसे एक जगह पर खड़ा हुआ है वो वृक्ष जैसे उसका जीवन है, तभी ये जीवन की सार्थकता, अगर ये जीवन पा करके हम भगवान की भजन किए तो तभी ये जीवन की हमारी सार्थकता है। सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा जोर जोर से बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण।
हम चाहते हैं आप लोगों को कुछ प्रभु का नाम जपा ले, जिस 7 दिन में कम से कम जीवा से प्रभु का नाम निकले और हमारा जीवन पवित्र हो जाए। इसलिए हम बीच बीच में भगवान के नाम कीर्तन करवा लेते हैं। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ये सृष्टि का वर्णना कर रहे हैं, ये सृष्टि जब जिस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा स्थित हुए, चारों तरफ में पानी पानी। बोले भैया मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, कमल नार में ढूंढे पता ही नहीं पड़ा कहाँ से। फिर उन्होंने ऊपर आए, उनको व्यंजन वर्ण का 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त और एक प। बोले तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी तपस्या किए तो ठाकुर जी बंसी ध्वनि को द्वारा उनको कानों में उन्होंने गोपाल मंत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी इसी गोपाल मंत्र से ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र किसको देते हैं, कहते श्री नारद जी को दिए। फिर श्री नारद जी किसको देते हैं, कहते श्री व्यास देव को दिए। ऐसे करते 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 ये मंत्र अभी तक सत्य युग से वो धीरे 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 शिष्य परंपरा से ये पृथ्वी तक ये मंत्र आई। इसलिए नियम होता है इसी गोपाल मंत्र से ही, हाँ ध्यान देकर सुना, यदि इसी गोपाल मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगता है, जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, ठाकुर के सामने प्लेट रख लो, दाल चावल सब्जी, उसमें तुलसी पत्ता रख लो, तुलसी पत्ता रख करके मेरी तरफ में देखो, जो लोग गोपाल मंत्र लिए हो, नियम है ये सीधा हाथ को नीचे रखनी चाहिए और उल्टा हाथ को ऊपर रखनी चाहिए यहाँ पर रख करके, और जो गोपाल मंत्र को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गोपाल मंत्र इसको इसी मंत्र से ही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। नियम है इसी मंत्र से भोग लगानी चाहिए। अभी इसी मंत्र धीरे धीरे गुरु परंपरा से ही ये भगवान से धीरे धीरे यहाँ तक आई है, इसलिए ये मंत्र को सीधा मंत्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया भगवान के मंत्र कहाँ से लेनी चाहिए, बोले 4 जगह से ले सकते हो। भगवान खुद कहते हैं, बोलो 4 जगह क्या है, बोले संप्रदाय बिना जे मंत्र स्ते विफला मता अतो कलो भविष्यति चत्वार संप्रदाय। भगवान कहते हैं ये कलयुग में मैं 4 सिद्धों महापुरुषों को भेजूंगा, अगर किसको भगवत मंत्र लेना ये 4 जगह से कोई 1 जगह से ये मंत्र को ग्रहण करो। बोले 4 व्यक्ति कौन है, बोले पहला नंबर माँ लक्ष्मी, दूसरे नंबर पितामह ब्रह्मा जी, बोले तीसरा नंबर स्वयं श्री रुद्र, चौथा नंबर ब्रह्मा जी की 4 मानस सनक सनातन सनातन और सनक कुमार। और ये 4 वैष्णव परंपरा से धीरे धीरे ये मंत्र भगवान से शिष्य परंपरा से यहाँ तक ये मंत्र आए। अगर ये 4 संप्रदाय में कोई 1 संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के अगर हम मंत्र ग्रहण करते हैं, शास्त्र कहता है तुमको जरूर प्रभु मिले, जरूर ठाकुर मिले। क्यों, तुम सही लाइन में खड़े हुए हो, अगर लाइन अगर सही होना एक दिन नंबर आ ही जाएगा, हाँ आ ही जाएगा। इसलिए ये 4 वैष्णव संप्रदाय से 1 संप्रदाय से ठाकुर जी के नाम ग्रहण करनी चाहिए। अभी यही मंत्र धीरे धीरे गुरु परंपरा रूप में आए, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्ण को सृष्टि की। बोले भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रिया को बढ़ाओ, बोले पिताजी ये माया संसार में हम प्रवेश नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करते हुए जीवन को धन्य बना दे। ब्रह्मा जी को तो क्रोध आया, सृष्टि का पहला संतान ये इनकार कर रहे हैं, क्रोध आया तो उनको ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए। शंकर जी को बोले तुम संसार का क्रम बढ़ाओ, लेकिन शंकर जी ये योगी योगी ये महायोगी शंकर जी, बोले पिताजी पता नहीं कहाँ ये माया संसार में हमें प्रवेश करा रहा है, हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करते हुए मस्त रहे। इसलिए शंकर जी को कहीं भी मूर्ति देखना, ध्यान में शंकर जी बैठे थे, प्रभु की चरण में जब ध्यान लगती है, हाँ साल साल तक कल्प कल्प तक इनकी ध्यान लग जाती है। शंकर जी सोचा ऐसे सृष्टि करे, पिता अपने आप मेरे को मना करते, उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। ब्रह्मा बोले कोई सृष्टि है,
बंद करो जरूरत नहीं। बोले मैं तो यही चाहता था। खैर उन्होंने परछाई से कर्तव्य ऋषि को सृष्टि की, खैर उन्होंने 10 संतान को सृष्टि की। अरे ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और सतरूपा को, डाण अंग से मनु और वाम अंग से सतरूपा को सृष्टि की, और यही से ही वो धीरे 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 सृष्टि हो जाए। इसलिए मनु महाराज से सृष्टि हुई, जो पति पत्नी का जो मिलन से जो सृष्टि यही से हुई। पहले जो सृष्टि होती थी वो मन से सृष्टि हुआ करता था, इसलिए मनु महाराज से हुए, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। हमको क्या कहते हैं? मानव। लेकिन हमारी जो साइंस क्या कहता है, कहते पहले हमारे जो पूर्वज लोग है ना सो बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते कटते ये डार्विन का थ्योरी है, ये पूछ कटते कटते जब पूरा कट गई फिर हम इंसान हो गए। बोले भैया अगर बंदर से इंसान हुए नहीं, बोले अभी तो कितने सारे बंदर हैं, बंदर की अभी कमी है, अभी कोई बंदर को देखते हो कभी इंसान बनते हुए? कभी जो पूछ कटते कटते सब बीच का भाग में कहाँ गई? ये गई कहाँ? बीच का भाग। इसलिए डार्विन का थ्योरी, इसलिए डार्विन मरने से पहले ये बात को बोल कर गया, बोले कभी बंदर से इंसान बन ही नहीं सकती। बोले इसने क्यों फिर बताया? बोले मेरे को सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्त किया था, तुम बता दो बंदर से ये इंसान हुए हैं, क्योंकि ये लोग नास्तिक बन जाए, भगवान को नहीं माने। अब विशेष करके हमारे भारत में 3 थ्योरी पढ़ाई जाती है जो बच्चों को नास्तिक करने दे। देखो कहते वो 3 थ्योरी क्या है, ये देख रहा है, कहते वो 3 थ्योरी क्या है जो कि बच्चों को नास्तिक बनाता है। देखो ध्यान दे उसमें, वो 3 थ्योरी क्या है? पहला थ्योरी है कि आत्मा नाम का कोई चीज है नहीं, ये आत्मा नाम की शरीर एक मशीन है, ये शरीर एक मशीन है। दूसरे थ्योरी है कभी ये बंदर से इंसान बने। तीसरा थ्योरी बिग बैंग एक थ्योरी है, मतलब ये पृथ्वी सृष्टि कैसे हुई, कैसे पास्ट हुई, तो सब अलग अलग ये ग्रह बन गया, अब पृथ्वी जब ठंडा हो गई फिर ये सृष्टि धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। लेकिन जो 3 थ्योरी ना एकदम गलत थ्योरी, ये एकदम ये गलत थ्योरी है, हैं? और हमारे कॉलेज में बच्चों को ये थ्योरी अमेरिका में नहीं पढ़ाते। अब जाओ अमेरिका में ये थ्योरी नहीं है, ये मुसलमान धर्म में भी नहीं है। आप कभी भी नहीं देखोगे कोई मुसलमान भाई अपना धर्मों के ऊपर अंकुर उठाता है, किसी क्रिश्चियन को भी तुम नहीं देखोगे कभी अपना धर्म पर अंकुर उठाता है, केवल हमारे हिंदू ही एक नालायक हुए हैं अपना धर्म के ऊपर ये अंकुर उठाता है। आप कभी सुने मुसलमान कभी अपना धर्म के ऊपर गलत बात बोलता है? कभी आप जिंदगी में सुने हो? किसी क्रिश्चियन को तुमने सुने हो? लेकिन हमारे धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म, हमारा धर्म सनातन धर्म है, और जगत में जितने धर्म हैं, अभी अंग्रेजी कौन सा साल कौन सा चल रहा है, 2008 है ना, मतलब ये धर्म कब से शुरू हुई, 2008 में पहले ये धर्म थी नहीं, कोई क्रिश्चियन है नहीं, वो 2000 पहले से ही शुरू, 2008 साल। अब जो मुसलमान धर्म देखो वो 1500 पहले कोई मुसलमान ही नहीं थे, लेकिन हमारे धर्म देखो कब से हुआ है, सनातन है। सनातन मतलब क्या है, जो जन्म लेता है ना वो इतने मरता है, लेकिन जिसका जन्म नहीं वही केवल जिंदा रहता है। इसलिए हमारे धर्म सनातन धर्म है, सृष्टि से पहले ही भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दिए, नारद जी फिर दिए व्यास देव को, ये सत्य जो उसे ही हमारे धर्म धीरे 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 अभी तक चलते चलते यहाँ पर आए। इसलिए हमारे जो धर्म में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो पहला बार एक स्टोरी सुनाया था, आपको भी सुना देता हूँ। देखो हम चाहते हैं 7 दिन में आपको इतना बढ़िया बनाए, 7 दिन में अपना इतना ठोस बना दे, और अपना धर्म का प्रति जैसे तुम्हारी दृढ़ विश्वास हो, और आप भी अपना बच्चों को भी ऐसे दृढ़ विश्वास दे सके। देखो ध्यान देकर सुनो, एक समय अकबर ने बीरबल को 2 प्रश्न किया है, इस कथा को याद रखना, बच्चों को सुनाना, जैसे बच्चे नास्तिक बने, अगर बच्चे नास्तिक बनेंगे ना तो मैं आदर नहीं देंगे, अगर बच्चे आस्तिक बनेंगे फिर पिता माता को सेवा करेंगे, बाप पालना में क्यों, पिता माता हमने जन्म दिया, सबसे पहला कर्तव्य पिता माता की सेवा, सबसे हमारा पहला कर्तव्य।
पिता माता की चरण छुओ, पिता माता की आदेश को पालना बड़ी सबसे पहला धर्म है। इसलिए बच्चों को ये सबसे बड़ी सुनाना ठीक है। अकबर ने बीरबल को दो प्रश्न किया है, ध्यान देकर सुना, आपको घर में पूछूंगा। पहला प्रश्न है भगवान है तो कहाँ है, दूसरी प्रश्न है अगर भगवान है तो अभी क्या कर रहे हैं। बोले देखो बीरबल, अगर तुम दो दिन में इसका आंसर नहीं दे पाए ना तो नौकरी जाएगा। अब बीरबल को बड़ा चिंता में पड़ गया, बोले भगवान है तो मेरे को क्या पता, फिर अगर है तो फिर क्या कर रहे हैं। भैया हमें पता क्या भगवान क्या कर रहे हैं, वो घर में आकर के ना अपना खाना पीना सब बंद करके एकदम गुमसुम बन गया। उसको बच्चा ने देखा क्या हो गया, ये पिताजी घर में आकर के ये गुमसुम क्यों बन गए, ये खाना पीना छोड़ दिए, बात नहीं करते हैं। बच्चा ने पूछा पिताजी क्या बात है, बोले तू छोटा बच्चा नहीं समझेगा तू जा। बोले पिताजी बता तो सही बात किया। बोले ऐसे ऐसे अकबर ने हमें दो प्रश्न किया है और दो दिन को अंदर में इसकी आंसर दो नहीं तो नौकरी जाएगी, अगर नौकरी दिया तो तुमको पावन कैसे करूँगा, ये तो बड़ी चिंता में पड़ गई। बोले पिताजी ये कोई बड़ी भारी प्रश्न थोड़ी है, हम खाओ पियो खूब मस्ती रहो, दो दिन बाद में जब चलोगे ना घर को साथ में लेकर के चलना, अगर राजा प्रश्न करे अब ये बताना ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न, मेरा बच्चा इसका आंसर दे सकता है। तू दे दो। बोले हाँ। जब वहाँ पर पहुँचे राजा ने पूछा दो प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था, देखो इतने जल्दी भूल गए मेरे बच्चों को क्या समझा भाई, पहला प्रश्न क्या था, बोलो कौन बोलेगा, हाँ पहला प्रश्न क्या था, भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान है तो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हें आंसर लेकर के आए, बोले पूछो, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। बोले बताओ भगवान है तो कहाँ है। बोले महाराज जी आप 10 किलो दूध मंगवाओ, 10 किलो दूध मंगवाए। बोले आप बताओ इसके अंदर में मक्खन, इसके अंदर घी है कि नहीं, बोले घी है। बोले दिखाओ उसमें घी कहाँ है, बोले घी थोड़ी ऐसे दिखेगा, पहले उसको तो जमवाओ, फिर उसको मंथन करो, फिर उससे मक्खन निकलेगा, फिर उसको पिघलाओ, फिर जाकर क्या बनेगा, उससे जा करके बनेगी क्या बनेगी, फिर जा करके घी बनेगी। बोले महाराज ये दूध में घी है लेकिन घी को निकालने के लिए एक प्रोसेस है, कैसे घी निकालोगे हैं, लेकिन दूध में घी है इसको प्रोसेस है निकालने के लिए। फिर उसी तरह आप कह रहे हो भगवान देता, उसका प्रोसेस भी शास्त्र ने बताया, जिसको पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आप तनाई, जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता है। जिसको कहते नतर पर नखाग्र मरीची, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ध्यान करते करते जो ठाकुर जी की चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिनको एक बार दर्शन कर जीव का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट चिरकाल के लिए इससे मुक्त होकर के वो भगवान के पास में चले जाते हैं। आप कह रहे हो भगवान है तो कहाँ दिखाओ, ये थोड़ी कोई लड्डू है बनाए और खा लिया, महाराज जी इसके लिए तपस्या की जरूरत है, इसके लिए भजन की जरूरत है, बगैर भजन के भगवान बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला, इसलिए भजन करनी चाहिए। राजा तो गुस्सा हो गया सुन करके। फिर उन्हें दूसरी प्रश्न की, दूसरी प्रश्न क्या था, भगवान है तो क्या कर रहे हैं। जब दूसरा प्रश्न की बोले महाराज ये बताओ प्रश्न कौन कर रहा है, बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा, बोले तू। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर इसको आध्यात्मिक रूप प्रश्न करो तो उसका तीन रूल है। बोले तीन रूल क्या है, बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। कृष्ण कहते हैं सबसे पहले जाकर के गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, दूसरी चीज क्या, बोले गुरु जी की सेवा करो, तीसरी चीज क्या, फिर जाकर के प्रश्न करो, क्योंकि जब तक तुम सेवा नहीं करोगे मेवा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई साधारण कोई ज्ञान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है।
इसलिए कृष्णा गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा किए, भगवान राम के गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा की, तभी जाकर वो ज्ञान को प्राप्त किए हैं। बगैर सेवा के भगवान नहीं मिलती है। इसलिए महाराज जी आप प्रश्न कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट, मैं आंसर दूंगा, मतलब मैं टीचर, और मैं टीचर तो मैं खड़ा हुआ हूँ, आप स्टूडेंट होकर ऊपर बैठे हो, ये बिहेवियर नहीं। अगर इसका आंसर सुनना चाहते तो ऊपर से उतर और मेरे को ऊपर में बैठाओ और मेरे को प्रणाम कर, हाथ जोड़ करके फिर पूछो। राजा तो फंस गया, ये क्या बोलता है छोटा बच्चा, अभी राजा को उतरना पड़ा, अब ये बच्चे को ऊपर बैठाया और हाथ जोड़ कर प्रश्न की, बोले बताओ भगवान क्या कर रहे हैं, बोले भगवान तो यही कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले एक सेकंड में रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग बना सकते हैं। थोड़ी देर पहले आप राजा थे लेकिन आपको नीचे उतार दिया, मैं था आपका प्रजा और मेरे को कहाँ बैठा दिया, आपकी सिंहासन में बैठा दिया। राजा तो मान गए, वाह बच्चा ने क्या प्रश्न किए। इसलिए कहते जो सृष्टि है, ये सृष्टि का प्रारंभ श्री मन महाराज से हुए है, इसलिए हम तो मानव कहलाते हैं। देखना सबका एक ना एक ना गोत्र है, सबका गोत्र है भी नहीं। हमारी गोत्र क्या है भारत, क्या गोत्र है तुम्हारी गोत्र, तुम्हारी गोत्र, तुम्हारी गोत्र। देखना यहाँ सबको पूछो, देखना सबका एक एक गोत्र बताओ, गोत्र आया कहाँ से, गोत्र आई कहाँ से। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उनने 10 बच्चों को उन्होंने पहले सृष्टि की थी। अभी जिस बच्चे से हमारी ये परंपरा आई ना, उसी से ही हमारे गोत्र बने, उसी से ही गोत्र बने। अगर हम बंदर से होते तो हमारे गोत्र कहाँ से आ जाते, हमारे गोत्र सब बंदर हो जाता है ना। लेकिन हम बंदर से नहीं हुए, हम कहाँ से हुए, सबसे पहले भगवान से हुए, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर परंपरा में आए। इसीलिए आप देखो, अब गीता पढ़ो, गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, बोले ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जगत में जितने जीव है ना वो मेरे संतान है। अब रामायण को पढ़ो, रामायण में क्या बोले, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जीव ईश्वर का अंश है। आप लोग बाइबल पढ़ो, ये बाइबल किसका ग्रंथ है, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है। बाइबल में लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे इंसान बनाया। आप पुराण को पढ़ो, ये मुसलमान का ग्रंथ है, बोले अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, ये लिखा हुआ पुराण। कहीं नहीं लिखा हुआ शास्त्र में ये बंदर से इंसान हो गए। देखो तुम अपना चेहरा को लो और इसे बंदर को साथ में मिलाओ, तुम्हारा चेहरा मिलेगा, बता बंदर को कौन था अंधों को, उसकी आंख मिलेगी ना, हाथ मिलेगी ना, शरीर मिलेगा। देखो इधर देखो, हमारे बांके बिहारी कृष्ण खड़े हुए, अब भगवान की राम का तस्वीर लो, उनको साथ में तुम्हारा चेहरा मिलेगा कि नहीं। कृष्ण का नाम देखो तुम्हारी नाम जैसे, उनकी दो आंख तुम्हारी दो आंख, उनकी दो हाथ तुम्हारी दो हाथ, उनकी दो पैर तुम्हारी दो पैर, मिलता कि नहीं। बंदर से तुम्हारी चेहरा मिलेगा, मिलेगा तुम्हारे बंदर से। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं, किससे हुए हो। इसलिए बोले तुम्हें माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रगुण, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव। ये कौन है, बोले भगवान राम और भगवान कृष्ण। आप लोग को समझ में आ गए कि नहीं, मेरे गुरु दिमाग मारी समझ में आ गई। इसलिए कभी सुनना नहीं हम बंदर से हो गए, हम भगवान से हुए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जन्म दिया है। दो बेटे और
तीन बेटी, यहाँ आकृति देवती प्रसूति और उत्थान पाद और प्रिय पर्व। यहाँ पर कथा की माता देवती की कथा है। यदि ये माता देवती की शादी से कर्दम ऋषि को साथ में दिए, लेकिन शादी को बाद में फिर ऋषि भजन में बैठ गए, और जब पति भजन में बैठ गए अभी माता देवती पति की सेवा करते करते 10,000 साल उन्हें तपस्या में बैठ गए। जब उन पर आग खुली ना देखा, सामने एक डोबरी बैठी हुई, बोले भैया तू है कौन? बोले आपको याद नहीं आपने कभी शादी किए हो? बोले हो तू वही देवती, और तू सेवा करते करते एकदम भूनी बन गई, और उनका जो केस थी ना वो केस एकदम जटाजट बन गया। हाँ देखो ध्यान से रखते हैं, कहते हैं कि जटाजट केस एकदम बन गया। क्यों? कारण है जब पति भजन में बैठा हुआ है फिर वो श्रृंगार किसके लिए करेगी? इसलिए पति का भजन में बैठे इसलिए उसने श्रृंगार नहीं की। इसलिए हमारे हमने देखा अपना गांव में जो माताएं हैं ना कभी सवेरे कभी श्रृंगार नहीं करती थी। हमने देखा गांव में कब श्रृंगार करती, बोले शाम को। बोले क्यों? ऐसे क्यों? बोले श्रृंगार करके वो दिखाएगा किसको? वो पति तो गए काम में, वो दिखाएगा किसको? हमने गांव में देखा माता रही वो शाम को तेल लगा कर श्रृंगार करती। क्यों? बोले पत्नियों का जो श्रृंगार है वो दूसरों को दिखाने के लिए, वो अपना पति को दिखाने के लिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की माताएं वो घूंघट क्यों लगाती हैं, सर पर कपड़ा क्यों रखती हैं? कारण है हम सती बन करके रहे, हमारी सुंदरता दूसरे पुरुष के लिए नहीं, हमारी सुंदरता केवल पति के लिए सुंदरता है। इसलिए ये भारतीय संस्कृति है, माताएं अपना सर के ऊपर के कपड़ा ढक करके चलती हैं। लेकिन अभी ये धीरे धीरे ये पाश्चात्य जो शिक्षा है ना ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शायद ये पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करके शायद हम सुखी हो जाए? एकदम नहीं है, एकदम नहीं। पहले ये बड़े बूढ़ों को कुछ लोग डाइवोर्स ना सुनाए, कुछ लोग बच्चों बड़े बूढ़ों को भारत में 50% डाइवोर्स हो रही है। बोले क्यों? ये पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के। पहले जो हमारी भारत की शिक्षा थी वो सबसे बढ़िया शिक्षा थी। लड़कियां थोड़ी सी लिखी पढ़ी होगी ना, थोड़ी सी लिखी पढ़ी होगी, केवल गीता भागवत हिसाब करना जान भूल जाओ, पति को करके जाओ, शादी करके बोला अपना जो कुछ करना पति घर में करना। या नहीं, तभी स्त्रियां सती बन कर गई थी, तभी ये डाइवोर्स भाईवोर्स नहीं हुआ करती थी। और दोनों पति पत्नी अगर कभी थोड़ी बड़ी लड़ाई हो गई ना, क्या हो गया लड़ाई, आपस में मिट मान कर लेती, थोड़ी सी एक दो दिन मान किए घर मिल गए। लेकिन अभी थोड़ी सी कोई लड़ाई हो गई तू जा और मैं जा, और हम अपना सिनेमा में यही चीज देखते हैं, एक एक स्त्री चार चार पांच पांच पति को शादी करके सेना ताना ऊंचा करके घूम रही हूँ। बॉलीवुड में देखो लड़ाई हो गई तू जा और मैं जा रही हूँ। अगर बच्चे लोग ये सब चीज देखेंगे बताओ क्या सीखा पा सकते, वो यही सीखा पाएंगे। इसलिए पहले का जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति हमारी अच्छी संस्कृति है, बुरा संस्कृति नहीं। इसलिए माता देवती इसलिए माता देवती को देखा पूरा केस में जटाजट हो गई माता देवती की। बोले बताओ अभी तुमको क्या चाहिए? बोले आपने ठाकुर जी से क्या मांगा था? इन्होंने भगवान से मांगे थे ठाकुर कितना बेटियां हैं, कितना है? 9। आपको पता होगा एक बेटी की शादी करो ना घर खाली हो जाती है, लेकिन घर में 9 बेटियां हैं कितने कठिन होगा। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रही है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं अगर तुम्हारे मन में भजन की इच्छा हो ठाकुर सब कर ले। नरसिंह भगत का अभी घर में केवल 2 व्यक्ति, एक माँ और एक बेटा है। बताओ मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, प्रभु की भजन कैसे करूँ? ठाकुर जी अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्हें हम सबको उन्हें ज्ञान की बात बताई। बोले माँ ये जो मन है यही मैं, हमारी एकादश इंद्रिया 11 इंद्रियां हैं, लेकिन इसमें राजा कौन है? बोले मन। मन ने बताया भैया भागवत कथा हो रही चलो सुनने जाए, देखना ये सारे इंद्रियां यहाँ पर आ गए। अगर मन बोलता रहे टीवी देखो ना स्मार्टफोन लेकर बैठ जाओ, क्या कथा सुनने के लिए जाओगे, नहीं तो घूमने चलो क्या होता,
ये सारे इंद्रिया उसको पीछे पीछे चले जाते हैं। इसलिए पहला चीज ये है बोले माँ ये मन को पहले संचित करो, ये सहनशीलता। अगर बात बात में क्रोध आ जाए, बात बात में मन उचट जाए, बात बात में हाथ उठा, फिर भैया फिर तो कहीं भी टिक नहीं सकते। तेरी गृहस्थ भी सही नहीं चल सकती है और आश्रम में भी सही नहीं रह सकते। इसलिए पहला चीज लक्षण है सहन शक्ति। तब एक संत की कथा सुनो, कितने सहन होनी चाहिए। बोले एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम। ये खूब भजन करते थे लेकिन इनकी जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आता। एक समय कुछ लोगों ने सोचा बोले भैया ये बाबा का मन में कभी क्रोध नहीं आता है, आज इनको हम क्रोध दिखाएंगे, बोले आज इनको क्रोध लाएंगे। इनका रोज नियम था गंगा में स्नान करना। एक व्यक्ति ने एक टोकरी में कचरा लेकर खड़ा हो गया। जब वो गंगा में नहा करके आया ना सीधा सर पर डाल कर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोले, गंगा में नहाया। जब दूसरा बार आ गए फिर डाल दिए, उन्होंने उसके सर पर 100 बार डाले लेकिन वो संत तो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप गंगा में नहा करके आए। 100 बार में भी जब कुछ बोले नहीं, उसने उनकी चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपको मैंने क्रोध दिलाने के लिए कोशिश की लेकिन 100 बार आप संत क्या कहते हैं, बोले तेरे जैसे मेरा कोई उपकार करने वाले नहीं। बोले कैसे, बोले रोज में एक बार गंगा में स्नान करता था लेकिन तेरी वजह से आज मैंने 100 बार गंगा में नहा लिया, 100 बार गंगा में नहा लिया तेरी वजह से, इसलिए तुम मेरे हाँ उपकार करने वाले हो। इसलिए संतों का पहला गुण बताया सहन शक्ति होनी चाहिए। कहीं भी रहो, घर में रहो और वन में रहो, पहले सहन शक्ति सीखो, फिर उसी घर में शांति और सुख है। अगर एक बोले, दो बोले, तीन बोले, चार बोले, फिर घर में महावाद, बोले घर में महावाद। इसलिए तितिक सभा, बोले दूसरा गुण क्या है, बोले कारुणिका, मतलब बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। बोले संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी ता समाना। कहा कभी नी पर कहीं ना उन्होंने 25 लक्षण बताया उनका बाहर लक्षण, लेकिन इनका एक विशेष लक्षण जो अंदर की सही लक्षण है। बोले उनका जो अंदर की लक्षण किया है, बोले भाई अनन्य भावे ना भक्ति कुर्वन्ति यदा। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, जो संतों का जो सही लक्षण होनी चाहिए, ये ठाकुर जी खुद बता रहे हैं अपना माँ को, ये चीज आप मन लगा कर सुनो, ये महत्वपूर्ण चीज है। बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति, जो मेरे को अनन्य होकर, अनन्य मतलब न अन्य और किसी की नहीं, मेरे जो एकांतिक रूप में जो भक्ति करते हैं। इसलिए जो भक्ति है ना एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जैसे मीरा, मीरा का नाम सुने हो, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई। ये गोपियाँ क्या कहती हैं, जब उद्धव जी उनको ज्ञान की बात बताए, गोपियाँ कहती हैं बोले उद्धव तू कहते हो ध्यान करने के लिए, बोले हाँ, बोले ध्यान तो मन से होता है लेकिन ये मन तो 10-20 है ही नहीं। बोले उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम सके को आराधीस। अब हिंदी समझ में आ रही है नहीं, ये गोपियां कहती है मन 10-20 नहीं है, मन कितना है, मन एक है। ये मन जिसको देना, एक व्यक्ति को ही मन दे सकता, दो व्यक्ति को नहीं दे सकते। अगर आज इसको पूजा कर दी,
इच्छा पूरी नहीं हुई, बोले वहाँ पर एक बाबा, बोले वहाँ भी चलो घूम करके आते, वहाँ भी गए किया, बोले यार काम नहीं बना। अरे वहाँ सुना बहुत बहुत बड़े क्योंकि बाबा जब सर के ऊपर पानी छिड़काव करते थे ना इच्छा पूरी हो जाती, फिर वहाँ चले गए, वहाँ काम नहीं बना, फिर नहीं ये भक्ति नहीं करती। ये जो भक्ति है ना ये एक पतिव्रता नारी की धर्म है। पतिव्रता नारी किसको कहती है बताओ? पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? जो केवल एक पति को चरण में तन मन सब दे दे, जैसे श्री हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी एक निष्ठ भक्त है, किसके भक्ति करते हैं? प्रभु राम की एक निष्ठ भक्ति। गोपियां किसको भक्ति करती? कृष्ण को करती है। मीरा किसको भक्ति करती थी? कृष्ण को। सूरदास किसको भक्ति करते? कृष्ण को। आप जितने संतों का चरित्र सुनोगे ना वो बहुनिष्ठ भक्ति नहीं एक निष्ठ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। जो एक निष्ठ होकर के एक को साधन कर लेता है उसको तो सबकी साधन हो जाती है, और जो बहुनिष्ठ होकर के यहाँ सारा दुनिया पूजा करती है ना बात सब जाए। इसलिए एक समय कोई एक मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हो गई। मुसलमान ने कहा मेरे अल्लाह बड़ा और हिंदू ने कहा मेरे भगवान बड़ा है। बोले परीक्षा कैसे होगी? बोले चलो हम एक वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं और वृक्ष से अपना अपना इष्ट का नाम लेकर कूदेंगे, जो बच जाएगा हम समझ बड़ा है। अभी मुसलमान चढ़ा उसका तो एक अल्लाह को पूजा करना है, वो एक मन से अल्लाह का नाम लिया। बोले अल्लाह अगर तू सच्चा है ना तेरे नाम को लेकर, हे गणेश जी आप तो विघ्न विनाश करने वाले, तेरे नाम लेकर कूद रहा हूँ। मैंने सोचा उसकी मैया को थोड़ा क्यों नहीं बुला ले। बोले माँ देवी जी आपका नाम आए थे गणेश जी रक्षा करने के लिए, जब देवी को बुलाया गणेश जी चले गए। बोले मेरे पर तो विश्वास ही नहीं, मैं आया हूँ मेरे को छोड़कर और किसको पुकार रहे। मैंने सोचा भैया थोड़ी सी शंकर जी को नाम क्यों नहीं लेंगे, और एक एक करके सबको बुला ले गया और लास्ट में खुदा था हाथ में टूट गया। भक्ति देखो भक्ति एक पतिव्रता नारी की धर्म है। पतिव्रता नारी की धर्म है, एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए। सबको सम्मान दो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो भक्ति है ना, जैसे उदाहरण दिया सात पत्नी सात पति जथा, जैसे घर में एक लड़की शादी होकर के आए, उसका देवर भी होते हैं, उनका जेठ भी होता है, उनकी पति भी होता है, सास ससुर भी होती है, वो सबको सम्मान देती है, सबको सम्मान देती है, किसी को असम्मान नहीं करती है। लेकिन अपना हृदय में किसको बैठा करके रखती है बताओ? हृदय में किसको बैठाएगी? अपना पति को ही हृदय में स्थान देगी, और किसी को पति के स्थान पर और किसी के स्थान नहीं देगी। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगी ना किसको लेकर चली जाएगी? अपना पति को लेकर अकेले हो जाती है, हो जाती है। लेकिन सम्मान देती है सबको, किसको असम्मान नहीं करती। उसी तरह जो भक्ति है ना एक अनिष्ट, ये भगवान खुद कह रहे हैं ये बात को। इसलिए गीता में भी देखो कृष्ण यही बात बताए लास्ट में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू सारे धर्म छोड़ करके मेरे पास में आ जा। बोले क्यों? बोले देख मैं कौन हूँ। आप विराट रूप देखे होंगे ना, तो ये चीज को दिमाग में बैठा। भगवान जो विराट रूप दिखाया उसमें क्या क्या दिखाया? बोले अर्जुन जिसको तू शंकर कह रहे हो ना, देखो वो शंकर मेरे में ही है। जिसको माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे अंदर ही। जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे में। जिसको तू हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में। देखो ये अनंत को विश्वमान इंद्र चंद्र सबके सब मेरे अंदर है। भगवान एक उदाहरण दिया मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्र मणि गणाए, उदाहरण दिया जैसे मेरे तरफ में देखो जैसे कि माला है, ये माला में ये धागा दिख रहा है लेकिन ये बाबू फूल कृष्ण ने सजाया अर्जुन को, इसमें फूल ही फूल दिख रहा है लेकिन ये फूल जो एक माला बनी है उसमें मूल कौन है? एक अंदर में धागा है। अगर वो धागा टूट जाए तो फिर फूल माला बन सकती है? ये सब के सब बिखर जाएगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड ये मेरे अंदर में विद्यमान, देख ले मैं कौन हूँ, देख ले ये विश्व ब्रह्मांड। जब कृष्ण को चरण में हमने प्रणाम की उनको अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, सबको प्रणाम हो गया कि नहीं?
ये सबकी प्रणाम हो गई। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई है। इसलिए मन एक है, मन दस बीस नहीं, वो एक को ही मन दे सकते हो, नहीं तो फेल हो जाओगे बीच में है। इसलिए एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। भगवान अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान प्रदान की और भगवान चले गए। बोले कहाँ? बोले गंगा सागर में। क्या? बोले साल में मकर संक्रांति का दिन ठाकुर का एक बार दर्शन मिलता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी कृपाल की जय, श्री राधे जय, जय श्री राधे जय, जय श्री राधे। हेलो बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जय, जय श्री राधे की सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, विष भान की लाड़ ले कि मेरी ओर निहार। कौन कौन वृंदावन जाएंगे? लगभग सभी लोग जाएंगे। अच्छा, कन्हैया से कौन कौन प्यार करते हैं? सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है। देखिए, कोई कोई बाल से प्यार करता है, कोई खाल से प्यार करता है, कोई चाल से प्यार करता है, लेकिन सौभाग्यशाली वो है जो नंदलाल से प्यार करता है। तो आप लोग सौभाग्यशाली है, इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि ना जाने इस समय तिहाड़ जेल में कितने लोग सड़ रहे हैं, जिस समय की बात कर रहा हूं, और ना जाने कितने लोग फाइव स्टार होटल में अय्याशी मनासी मनासी, और ना जाने कितने लोग पिक्चर हॉलों में अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि जगन्नाथ धर्मशाला में गुरु जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का रसा स्वादन कर रहे हैं। बोलो निताई गौर हरि बोल। तो सौभाग्यशाली है। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे? सभी लोग जाएंगे। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते हुए वृंदावन जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में तो सभी को नाचना है, क्योंकि रसगुल्ले की कथा है, थोड़ी देर बाद सभी को नाचना है, लेकिन अभी वृंदावन जाएंगे सभी लोग नाचते करते हुए। वो मेरे उठे बिना की पीर सके वृंदावन जाओगे, मेरे उठे बिना
सोनी सूरत की दीवानी हो गई, लेकिन टेबल पर ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल कैची है, ना हाथ हिला रहे ना कमर हिला रहे। भाई घर का सारे संपत्ति को बेच बात कर
वैसा ही नजर आता है लेकिन उसकी
आनंद और भरा उसके अंदर होता नहीं। तो ये भागवत हमारे ऐसी ग्रंथ है जो इस प्रेम को प्रकट करती है, इसको सुनने से ये प्रेम अपने आप आ जाता है। अभी महाराज जी कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य कृष्ण को पाना नहीं है, कृष्ण को पाके करेंगे भी क्या, कर्तव्य ऋषि की कथा सुनी आपने, भगवान घर में आ गए लेकिन क्यों, क्योंकि हम प्रेम को नहीं ढूंढ रहे, हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे, हम उस प्रेम को ढूंढ रहे। भगवान के प्रति जो प्रेम है जाके मिले। जब गंगा के समुद्र नहीं रहता, समुद्र किधर है,
वैसे हमारा भी हृदय अपने आप में भगवान की तरफ जा ही रहा है, लेकिन उसमें रोड़े नेचुरल रोड़े नहीं, आर्टिफिशियल रोड़े हमने बना दिए। गंगा के सामने अगर पहाड़ आया तो पहाड़ को काट के निकल जाएगी, लेकिन अगर हम डैम बना दें ऊपर कोई पुल बना दें डैम बना दें तो फिर हम उसको दिमाग, लेकिन कोई छोटे मोटे पहाड़ को उसको काट के निकल जाएगा। एक्चुअली पहाड़ बनते हैं वो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उससे उसकी शक्ति बढ़ती है गंगा। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जितनी भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा दी हुई परेशानियाँ आती है वो हमारी भलाई के लिए आती है। जैसे कि एक बीज को आप जमीन में डालते हो तो लगता है कि ऊपर से मिट्टी से दबा दिया वो बीज दब है, लेकिन वो दबाव के कारण ही फूटता फूटता बलता और उसमें से भी पेड़ निकलता है। तो जो चीज़ लग रहा दबा रहा है लेकिन वो दबा नहीं रहा है उसको, वो खिलाने के लिए। इस तरह से भी हमारे जीवन में जो नेचर हमें दे रहा है वो चीज़ हमारी भलाई के लिए, लेकिन कुछ हम चीज़ अपने आप खड़ी कर देते हैं वो चीज़ रोक देते हैं। कोई माला में भगवान का नाम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जरूर करना चाहिए। और दूसरा जो है ये गले में तुलसी रखी होनी चाहिए। कहते ये क्यों इससे प्रेम का क्या लेना देना, कहते तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हम लोग आते हैं नमो नमः, भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी तुलसी है। आप लोग भोग लगाते हैं घर में उसमें क्या डालते हैं, तुलसी डालते हैं, तुलसी के भगवान कुछ खाते नहीं। और हम लोग भक्त इसलिए गले में तुलसी पहनते हैं, जो भगवान को होना चाहता है उसको भी तुलसी पहननी ही चाहिए। महाराज जी कथा सुनाते हैं तो भी तुलसी क्यों पहनते हैं, तो महाराज जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है अवस्थी कथा। तो जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में क्या होता है, पट्टा होता है, और जो पालतू होता है उसके कुछ नहीं होता, वो खाली होता है। इसी तरह से ये हमारा एक पट्टा है भगवान के पास को कुत्ते समझ लीजिए। हमारे भक्ति में ठाकुर ने कीर्तन में गाया है कुकुर मैं भगवान का कुत्ता हूँ, जैसे कुत्ता हमेशा अपने मालिक के लिए वफादार होता है, मालिक कुछ दे तो रोटी खाता, नहीं दे तो चुपचाप बैठता, कभी झपट्टा नहीं मारता है, मालिक खा रहे तो बीच में नहीं आता, दूर बैठ के वेट करता है, जब मिलती है तो खाता है। ऐसे हम भक्त लोग भगवान जो देते हैं उसमें आनंद में रहते, नहीं देते उसमें भी आनंद में रहते, तभी तो समर्पण है। मतलब जैसे भी सेलिब्रेशन है उसमें आनंद है। ये महाराज जी बता रहे थे कितनी बार 100 बार कचरा डाला 100 बार नहाने चले गया, क्यों, क्योंकि उसका समर्पण है भगवान के प्रति। वो व्यक्ति को नहीं देख रहा कि व्यक्ति मुझ पर डाल रहा है, वो भक्त को देख रहा है भगवान मेरे व्यवस्था कर रहे हैं, भगवान मेरे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो भगवान की दी हुई है किसी व्यक्ति की नहीं। भक्त हमेशा हर सिचुएशन के पीछे उसमें किसका हाथ है वो देखता है, उस चीज़ को नहीं देखता सामने जो चीज़ है। हमारी सांस अगर इसमें भगवान का हाथ है ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हो वो मंत्र के बगैर। इसलिए जिनकी इच्छा होगा हम गोपाल मंत्र लेंगे, पहले माला लिए हो हम लोग भी आ जाना कल लेना, और जिसको हरिनाम लेने का इच्छा आकर के कल हरिनाम ले आना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वीडियो बना दो, बोलो रत्न के लाला की, जय जय श्री राधे। और बधाई में सभी लोग नाचेंगे, नाच के कन्हैया को बधाई देंगे। उसके चलो नृत्य के द्वार
इसलिए कोई बाकी ना रहे आज के दिन, सभी हमको जाएंगे।